दुनिया में प्रेम करना दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। एक बड़ी सीरियस बात कहने जा रहा हूँ, उसको सुन लो। ये सब चीजें बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की आपसे बात ना करना चाहे तो आप उसके साथ जबरदस्ती ना करें। कुछ ऐसी चीज अपने अंदर पैदा करें, इतनी योग्यता पैदा करें कि अगर आपके सामने कोई दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाए तो लड़की खड़ी हो जाए। लड़की जब किसी को प्रेम करती है ना, किसी को भी साइडलाइन कर सकती है। तुम योग्यता पैदा करो, दो चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे, उसी वक्त तुम्हारा दिमाग जिंदा हो जाए। इसीलिए ये जो चिन्ह बनाया गया, ये चाबी की तरह दिखता है। बस तुम बस इसको चाबी लगाओ, जो तुम्हारे सामने पड़े उस पर तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये क्यों। फिर धीरे धीरे देखो तुम्हारा कैसे विकास होता रहता है। वो क्यों इतनी मजेदार चीज है, बहुत मजेदार, तुम पढ़कर आगे निकल जाते हो। स्कॉर्पियो में चेंज नेचर और सब छोटे मोटे बदमाश चलते हैं। लैंड क्रूजर 3 करोड़ की गाड़ी है तो 10 लैंड क्रूजर चलेगी, बहुत कम सड़क पे देखते होगे लैंड क्रूजर। स्कॉर्पियो तो सरकार भी अपने अफसरों को देती है, लेकिन अखंडानंद जब से खरीद देखे मिर्जापुर में, तब से सबने इसको काली स्कॉर्पियो ही खरीदनी शुरू कर दी। यहां तो बस किसी सीरीज में कोई चीज आ जाए, काली स्कॉर्पियो में बैठ के हर आदमी अखंडानंद नहीं बन पाएगा। टी शर्ट पहनेंगे 1000 रुपए की, 500 रुपए की चप्पल पहनेंगे और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि 2,000 करोड़ खर्चा करके सरकार बदल देंगे। और जब सरकार हमारे कब्जे में है तो सड़क पर भौकाल बनाने की क्या जरूरत है। एक फोन लगाएंगे स्टेट के डीजीपी को, हाँ तिवारी जी, जी साहब उठाओ इनको, गुप्ता को, और उठा दो, जी जी जी, सरकार तुम्हारे हाथ में है तो 10-10, 20-20 गाड़ियां लेकर टहलने की क्या जरूरत। सुभाष चंद्र बोस ने जब सिंगापुर से इस देश के लोगों को कहा कि मदद करो, हम तुम्हारे लिए लड़ने जा रहे हैं, औरतों ने अपने शरीर के गहने उतार कर उनको दे दिए। तुम्हारा देश संकट में है और तब तुम लिपस्टिक मंगा रहे हो, यह प्रॉब्लम है, लिपस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। कभी दृष्टि को गलत जगह पे मत ले जाना। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है। पर समस्या एक ही है, इस दुनिया में एक ही समस्या है, जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है, तुम्हारा मन। और जीवन में कोई समस्या नहीं है, बाकी सब समस्याएं फिजूल हैं, बेकार। एक बच्ची आई थी मिलने के लिए नीट की, कहीं मन नहीं लग रहा पढ़ने में। मैंने कहा मेरा भी नहीं लग रहा। कैसे लगेगा मन जब तक तुम उस चीज को समझोगे नहीं, कनेक्ट नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, मन कैसे लगे। तुम रटना चाह रहे हो, चारों तरफ यही तो हो रहा है, और दिन भर तुम पढ़ रहे हो, तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो कम से कम, तुम सारे लोग। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम 8 घंटा खाना खाओ, ये पेट सर्वाइव करेगा, फट जाएगा। 8 घंटा खाना खाने के लिए कम से कम 8 घंटा दौड़ना पड़ेगा, खाए 1 घंटा आराम किए, फिर 25 किलोमीटर दौड़े, तभी तो हजम होगा, फिर खाए, फिर दौड़े। तुम एक एक्सपेरिमेंट कर डालो, 8 घंटा खा के देखो। जब 8 घंटा यहां से नहीं खा सकते तो 8 घंटा डायरेक्टली यहां क्यों डाले जा रहे हो, ये भी पेट ही तो है। 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, क्वेश्चन मार्क वार्क लगा के समझ के बंद कर दो किताब, और फिर कुर्सी पे ऐसे बैठो, ऐसे आराम से, ऐसे आंख ऐसे सर पीछे कर लो दीवार से टिका के, आंख बंद कर लो, ऐसे नहीं कि मेज पे ऐसे पैर वर रख लिए, वो वाला हिसाब किताब नहीं करना है। 1 घंटा पढ़ो, 20 मिनट मनन करो, 20 मिनट
भले तुमको घर वाले कहें कि सो रहे हो, तुम्हारे मन को बड़ा आराम मिलेगा। हर एक घंटे पे 20 मिनट आंख बंद कर लो, उसको हजम होने दो जो पढ़े हो, उसको जुड़ने दो, उसको कैलकुलेट होने दो, विचार उठने दो। तुम 8 घंटा लगा के गन्ना पेरे हो, कुछ यहां सेटल हो ही नहीं पा रहा है, तुम बस घड़ी देख रहे हो कि 5 हो गया। फिर जब 8 पूरा हो गया तब तुमको खुशी इस बात की नहीं हुई कि तुम पढ़े कुछ समझे, तुमको खुशी इस बात की हुई कि आज 8 घंटा पढ़े। फर्जी की खुशी, तुम 8 घंटा पढ़े और तुम्हारा कुछ तैयार नहीं हुआ और तुम खुश हो, और तुम सोचो तुम 4 घंटा पढ़े और 2 टॉपिक तैयार हो गया कि अब कोई भी कहीं से भी पूछे तो यह खुशी मनाने की बात है कि 8 घंटा बैठ के पढ़ने वाली बात है। देखो भैया, दुनिया में प्रेम करना दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। एक बड़ी सीरियस बात कहने जा रहा हूं, उसको सुन लो। ये सब चीजें बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की आपसे बात ना करना चाहे तो आप उसके साथ जबरदस्ती ना करें। ये बात अपने दिमाग में बांध कर रखें, कुछ ऐसी चीज अपने अंदर पैदा करें, इतनी योग्यता पैदा करें, इतनी कि अगर आपके सामने कोई दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाए मछली का आंख भेदने के लिए तो लड़की खड़ी हो जाए। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो द्रौपदी को तो अर्जुन से ही शादी करनी थी, लेकिन टैलेंटेड आदमी वहां और बैठा हुआ था कर्ण, और कर्ण जब उठा तो द्रौपदी ने कहा यह राजाओं की सभा है। लड़की जब किसी को प्रेम करती है ना, किसी को भी साइड लाइन कर सकती है। दुर्योधन को खलबली मच गई, कहा यह भी राजा है, अंग देश के राजा है, तुरंत हाथ काटा, ठीक है। अंग जिस भाई को वो 5 गांव देने को तैयार नहीं है, अपने दोस्त को वो देश दे दे रहा है, उसकी भी एक महानता है। कर अंग देश के राजा, अंग देश। फिर कर्ण आगे बढ़े, उसने कहा यह क्षत्रियों की सभा है। अब जाति कैसे बदलोगे? और सीता जी को राम जी से शादी करना था, धनुष रखा हुआ था, उनको पता था कोई उठा ना पाएगा। ओ मेरा ह्यूमन आएगा। तुम योग्यता पैदा करो, 2 चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। तुम हमेशा अपना वाला क्यों सोच लेते हो? सामने वाले को पूरा कंप्लीट करने दिया करो। टप से बोल दोगे इंटरव्यू में सारा नंबर काट देगा, चुप रहो पहले। योग्यता पैदा करो, 2 चीजें तुम्हारे पास खुद ब खुद आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। और स्त्री माने भगवान, अरे जो सृजन करे वही तो भगवान है, और कहां दूसरी जगह से लेकर आओगे? तो सब लोग बहुत प्यार से, और जैसे होता IAS की प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं, ऐसे रहा करो, बढ़िया मैच्योर बनकर करो, लेकिन सब कुछ ये बड़ी विडंबना है। मैं आदर्श की बातें नहीं करता, ना मैं उसमें भरोसा करता हूं, लेकिन तुम गलत भी करो तो लोग अप्रिशिएट करें कि अच्छा गलत करता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अच्छे को लोग बुरा कहें कि बहुत सच बोला था, दिमाग खराब किया है। कभी कभी तुम्हारी अच्छाई समाज के लिए बुरा बन जाती। नहीं, सुबह 3 बजे उठकर घर में घंटा हिला रहे हैं, अगले आदमी की नींद खराब हो गई, तुम 3 बजे उठते हो, घंटी बजाना है तो धीरे से 1-2 बार बजा के फिर रख दो, बाकी लोगों को सोने दो। हमारे घर में है एक साहब, मैं तो छत पे चला जाता हूं ऊपर, बजाओ जितना बजाना है।